हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 36 ऑफ योर एसेंशियल इंग्लिश बुक। टुडे वी विल डू द बैक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। वर्ड मीनिंग्स, शेफर्ड, SHEPHERD, शेफर्ड मीन्स अ मैन हु लुक्स आफ्टर शीप। एक व्यक्ति जो कि भेड़ों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? शेफर्ड। पास्चर्स, PASTURES, पास्चर्स मीन्स ग्रेसी फील्ड, हरे भरे खेत। फ्लॉक, फ्लॉक या फॉक, इट मीन्स ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का समूह। बोर्ड, बोर्ड मीन्स टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग रेगुलरली, लगातार किसी काम को करने से थक जाना या बोर हो जाना। रीच्ड, रीच्ड मीन्स होता है अराइव एट, पहुंच जाना, पहुंचना। हर्ड, हर्ड मीन्स टू लिसन, हर्ड मीन्स सुना। हर्ड जो है वो हियर का पास्ट फॉर्म होता है, हियर मने होता है सुनना, हर्ड मीन्स होता है सुना। एंग्री, एंग्री मीन्स फ्यूरियस, नाराज हो जाना, गुस्सा आ जाना। फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड मीन्स स्कैर्ड, डर जाना या भयभीत हो जाना। ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स बिफोर, अर्लियर और अहेड, मतलब पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। एनदर, एनदर मतलब सम अदर, कुछ दूसरा। कैरीड, कैरीड मीन्स होता है टू टेक अवे, लेकर जाना। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन पर राइट का मार्क करना है। नंबर वन, देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय नेम्ड, वहां एक गडरिया था, शेफर्ड बॉय था, जिसका क्या नाम था? हरी, हरी मोहन और मोहन। लेसन के अकॉर्डिंग शेफर्ड बॉय का क्या नेम था? मोहन। ऑप्शन सी पर आप राइट का टिक करेंगे। नंबर टू, वन डे ही वॉज, एक दिन क्या हुआ? एक दिन वह, लेसन में क्या था? बोर हुआ, बोर्ड, स्लीपिंग और वॉकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वन डे ही वॉज बोर्ड। ओके, ए वाले ऑप्शन पर आप राइट का साइन लगाएंगे। नंबर थ्री देखिए, देयर वॉज नो, इट वॉज जस्ट अ जोक, इनमें से क्या नहीं था? टाइगर, लॉयन और वुल्फ। लेसन के अकॉर्डिंग लेसन में कौन सा एनिमल था? वुल्फ। तो देयर वॉज नो वुल्फ, वहां पर कोई वुल्फ नहीं था, इट वॉज जस्ट अ जोक, यह सिर्फ एक मजाक था। पार्ट बी, टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आपको नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से जो करेक्ट हैं उन पर राइट का साइन लगाएंगे और जो रॉन्ग है उनके सामने गिवन बॉक्स के अंदर क्रॉस कर देंगे। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हिज मास्टर हैड टोल्ड हिम, उसके मोहन के मालिक ने उसे बताया था, बोला था, टू कॉल फॉर हेल्प इफ अ टाइगर अटैक द फॉक, भेड़ों के झुंड पर जब कोई टाइगर अटैक करता है तो मदद के लिए बुलाने को उसके मालिक ने कहा था। क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग, इसके सामने आप क्रॉस लगाएंगे। क्या, कौन सा साइन लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि लेसन में उसके मालिक ने उसे मदद के लिए बुलाने के लिए तो कहा था, लेकिन किसके लिए? वुल्फ के अटैक से बचाने के लिए। ओके, नंबर टू देखेंगे, सो ही क्राइड अलाउड, वुल्फ वुल्फ, इसलिए वह चिल्लाया जोर से, वुल्फ वुल्फ। क्या वह वुल्फ वुल्फ, सॉरी, सो ही क्राइड अलाउड, इसलिए वह जोर से चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, इसलिए वह जोर जोर से
चिल्लाया। क्या ये करेक्ट है? वह जोर जोर से वुल्फ वुल्फ चिल्लाया, लेकिन वह भेड़ों को बचाने के लिए नहीं चिल्लाया, वह मस्ती के लिए, मजाक करने के लिए चिल्लाया। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। आफ्टर सम डेज द फार्मर हर्ड द सेम क्राई, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। द वुल्फ कैरीड ऑल ऑफ द शीप अवे, जो वुल्फ था वो सारी भेड़ों को लेकर के गया। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो भेड़िया था वह उनमें से, भेड़ों के झुंड में से किसी एक भेड़ को ले गया था। तो इसके सामने आप क्रॉस का साइन कर देंगे। ओके, पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आपको यहाँ ये ग्रीन बॉक्स में कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से सही वर्ड चूज करके आपको फिलअप्स के अंदर फिल करना है। लेट अस सी। नंबर वन, ही थॉट ऑफ हैविंग सम, कौन सा वर्ड आएगा यहां पर? फन। उसने सोचा, क्या करने का सोचा? कुछ मजाक करने का सोचा। फन मींस होता है मजाक। यहां क्या फील करेंगे? फन। नंबर टू, बट व्हेन दे रीच्ड देयर, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, दे सा नो वुल्फ, उन्होंने क्या देखा था, गांव वालों ने, सॉरी किसानों ने, कि वहां पर कोई वुल्फ नहीं था। नंबर थ्री, दे वर वेरी एंग्री, वे बहुत नाराज थे, एंड वेंट बैक टू देयर, और वापस कहाँ गए? अपने काम पर गए, ऑन टू देयर वर्क। यहाँ क्या फील करेंगे? वर्क। नंबर फोर, मोहन गॉट एंड शाउटेड फॉर हेल्प, मोहन गॉट फ्राइटेंड, क्या फील करेंगे यहाँ पर? फ्राइटेंड मीन्स मोहन डर गया और चिल्लाया मदद के लिए। ओके, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को आप बुक से देख करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और इन एक्सरसाइजेस को आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। ओके, हरे कृष्णा।